नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या खुश रहने के लिए स्वस्थ शरीर ही जरूरी है या कुछ और चीजें भी हमें खुश रहने के लिए जरूरी होती है? दोस्तों, इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ हैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव माहेश्वरी सर। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर संजीव माहेश्वरी सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव माहेश्वरी, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर, साथ ही मेडिकल कॉलेज में एडिशनल प्रिंसिपल भी हूँ। मुझे आज आप सबसे बात करने का एक बहुत गहन मुद्दा जो है वो ये है कि हम हमेशा से बचपन से ही सुनते आए हैं पहला सुख निरोगी काया। वाकई क्या ये सच है, पहला सुख निरोगी काया, या कुछ इसका कुछ और गहरे मतलब में भी हमको जाना चाहिए? उसके बाद में कई सारे दूसरों ने और भी बताया कि दूसरा खुश सुखी है, तीसरा सुखी है, चौथा सुख, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी गई है इस कहावत में कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम वाकई सोचें तो शायद ये सच नहीं है पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि इस उक्ति में, इस मुहावरे में या इस कविता में हम सिर्फ काया की बात कर रहे हैं, जबकि जो सुख है वो सिर्फ काया से रिलेटेड नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन दे रखी है वो बहुत तरीके से, बहुत सही और बहुत सोच समझ के दी रखी है, और उसमें जो कहा गया है कि हेल्थ इज द कंप्लीट वेलबींग ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि इसमें जो स्वास्थ्य में जो चार चीज़ें जोड़ी गई हैं उसमें फिजिकल वेलबींग भी है, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेंटल वेलबींग यानी कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, इमोशनली आप अपने आप को हेल्थी महसूस होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए। और ये जो डेफिनेशन है ये हमारे जो पुरानी डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, वो जैसे हम जिसको हम चाहें ऋग्वेद से जोड़ें, चाहे हम आयुर्वेद से जोड़ें, उससे ज़्यादा मैच करती है, ना कि आज की भौतिक युग की कि सिर्फ हेल्दी शरीर, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, ये भी एक दूसरी कहावत है। तो लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंस क्या है कि स्वस्थ मन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्वस्थ शरीर है। तो इस कहावत को मैं थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूँ, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि हम सिर्फ इसमें काया पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो हेल्थ के आस्पेक्ट हैं उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम जो आजकल मैं देखता हूँ कि साहब लोग जिम कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, अपने खाने पर कि हाई प्रोटीन डाइट, लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, लो कोलेस्ट्रॉल, न जाने क्या क्या, और दुनिया भर की फैट फ्री और ग्लूटेन फ्री और फाइबर रिच, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हम हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर, हमारे इमोशनल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि हम इतने सारे कर्मकांड करने के बाद, जिम जाने के बाद, जॉगिंग करने के बाद भी पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। आपने एक घंटे का जिम किया, डेढ़ घंटे की एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, ये किया, वो किया, लेकिन अल्टीमेटली शाम को आप सोचते हैं मैंने क्या मिला, क्या मिला, ये टेंशन, वो टेंशन, वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। जब तक हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ नहीं महसूस कर पाएंगे। पूर्ण स्वस्थ की डेफिनेशन में मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पुराने लोग कहते थे, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती मेरा कुटुंब है। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे परिवार के दो सदस्य हैं, एक थोड़ा हल्का है तो हम कोशिश करते हैं उसको ऊपर उठाने की, ना कि जो हल्का है उसको नीचे और दबाने की, क्योंकि वो हमारे परिवार का सदस्य है। सिमिलरली ये पूरी धरती, ये पूरा समाज, ये पूरा देश हमारा एक ही कुटुंब है, ऐसा हमारी धारणा थी हमारे पुरखों की, हमारे पूर्वजों की। हम बहुत सारी चीज़ों में इतने आगे थे, लेकिन पता नहीं वो संस्कृति, वो मूल्य कहाँ चले गए, और उन्हीं सब मूल्यों का ह्रास होने से, उन्हीं सब मूल्यों का पतन होने से हमारे स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। और ये स्वास्थ्य में गिरावट सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की गिरावट नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट भी है। तो हम अगर किसी भी तरीके से हमारे पूरे पुराने मूल्यों को ध्यान कर पाएँ, हमारे पारिवारिक संरचना को स्टेबल कर पाएँ, हमारे सामाजिक संरचना को स्टेबल कर पाएँ, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को स्टेबल कर पाएँ, हमारे आध्यात्मिक लेवल को स्टेबल कर पाएँ, तो ही हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही मैं रिपीट करूँगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, लेकिन स्वस्थ मन भी उतना ही आवश्यक है जितना कि स्वस्थ शरीर भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम स्वस्थ शरीर को तो ध्यान रखें ही रखें, लेकिन स्वस्थ मन को भी ध्यान रखें। स्वस्थ मन को ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम सोचें कि चलिए अब हम फ्री हो गए, हमें रिटायर हो गया, अब मैं मेरे लिए टाइम निकालता हूँ, ऐसा कभी संभव नहीं है। जो शरीर, जो
हमारी जिंदगी का दिन निकल गया, समय एक बहती धारा है, कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा। अगर आप अपने लिए आज जागरूक नहीं हैं, तो वो दिन आपके लिए कभी लौट कर नहीं आएगा। वो क्षण जो अभी था, वो अगले क्षण नहीं रहेगा। इसलिए हमें हर क्षण की कीमत को पहचानना चाहिए। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, आपने कभी सोचा? सबसे ज्यादा हमारे पास में कीमती क्या है? ईश्वर ने हमें कुछ समय देकर ही इस धरती पर भेजा है, तो इसलिए इकलौता लिमिटिंग फैक्टर जो है वो हमारे पास है, वो समय। अगर हम समय का सही उपयोग कर पाएंगे तो हम विनर होंगे, तो हम इस जो जीवन संघर्ष है उस योद्धा के रूप में अपने आप को जीत साबित कर पाएंगे, अपने आप को इस दुनिया में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर हमने समय का दुरुपयोग किया तो हम कभी भी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना, टाइम इज़ द मनी, एंड मनी तो हम कभी किसी भी तरीके से और भी सोर्स से इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में हम बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। तो हमें हमारे स्वास्थ्य के सभी आयामों पर आज और अभी से ध्यान देना होगा। अगर हम सोचें कि हमें थोड़ा समय नहीं मिल रहा, आज हम बिजी हैं, आज की जगह कल कर लेंगे, वो कल शायद कभी नहीं आएगा। जो है वो जैसा है वो आज और अभी और इसी क्षण है। हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना स्वयं में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में बहुत आवश्यक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की वजह से ही थोड़ी जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं समाज में, वही हो रही हैं। अगर हम बाकी आस्पेक्ट पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे, अपने समाज को अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे, अपने देश को बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देकर और मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और अपने इमोशनल स्वास्थ्य पर भी उतने ही तरीके से ध्यान दें। एक हमेशा एग्जाम्पल मैं ये भी देता हूँ, जैसे हम बैठे हैं, उस मेज है, मेज के कितने पैर होते हैं? चार पैर होते हैं। अगर एक पैर थोड़ा सा छोटा भी हो जाए तो मेज डगमगाएगी, और अगर एक पैर टूट जाए तो ये मेज कभी स्टेबल नहीं रह पाएगी, ये टिक नहीं पाएगी, गिर जाएगी। ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य के, जो मैंने बताया चार पाए हैं, चारों पाए बराबर चाहिए। एक पाया छोटा, एक पाया बड़ा, एक पाया नहीं हो तो हम स्वास्थ्य की मेज को स्टेबल नहीं रख पाएंगे। मेहरबानी करके स्वास्थ्य के चारों पायों पर बराबर ध्यान दें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे अजमेर के जेलन मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर संजीव माहेश्वरी सर। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी खुश रहिए। थैंक यू। टेक केयर।